सिर्फ एक बैटरी आपका एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा 24 घंटे चला सकती है। तो अगर आपने अपने घर पे दो बैटरी वाला इन्वर्टर लगवाया हुआ है, या एक बैटरी वाला इन्वर्टर है, या फिर चार बैटरी वाला इन्वर्टर आपने अपने घर पे लगवाया हुआ है, और एक ऐसी बैटरी की आप तलाश में हैं जो एक बार लगने के बाद में जीवन भर आपको बैकअप देती रहे, दिन रात आपके एसी चलाए, वॉशिंग मशीन चलाए, इंडक्शन चलाए, आपका गीजर चलाए, कभी कोई देखभाल ना हो और कीमत भी हो कम, तो यकीनन ऐसी बैटरी आप अपने घर पे जरूर लगवाना चाहेंगे। और बिना सोलर सिस्टम लगवाए भी केवल आपको बैटरी चेंज करनी है, केवल बैटरी चेंज करने से आपके बिजली बिल आधे से ज्यादा हो जाएंगे कम। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के घर में एक बैटरी वाला सिस्टम लगा है, दो बैटरी वाला लगा है, या चार बैटरी वाला सिस्टम लगा है, जब भी वो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें ये आता है कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर पे आप नहीं लगा सकते हैं। नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरी होती है और जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी होती है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इसीलिए उनके चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग वोल्टेज भी अलग अलग होते हैं। इसलिए नॉर्मल इन्वर्टर पे आप लिथियम बैटरी नहीं लगा सकते हैं। अब समस्या यह है कि अब लिथियम बैटरी के लिए अगर आपको इन्वर्टर बदलना पड़े तो भी एक चैलेंज वाली बात हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप नॉर्मल इन्वर्टर पे कौन सी वाली लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगा सकते हैं। शुरू करते हैं उस बैटरी से जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में दो बैटरी वाले इन्वर्टर सबसे ज्यादा बिकते हैं, जो भी लोग रात भर एसी, पंखा या कूलर इस तरह के लोड चलाना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, यहीं पे बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि साहब, मैंने घर पे 200 AH की या 150 AH की दो बैटरी C10 या फिर C20 टेक्नोलॉजी की लगवाई हुई है। अब ये C10 और ये C20 टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि बैटरी में सी का खेल क्या होता है। तो जब भी आप C10 या C20 बैटरी लगवाते हैं, दो बैटरी लगवाते हैं, तो उस बैटरी के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो ये है कि जब भी आप अपना एयर कंडीशनर जैसा लोड, जो कि हैवी लोड होते हैं, उनको उस बैटरी से लिफ्ट करते हैं, एक बैटरी माना आपको 1000 वॉट दे सकती है। 1000 वॉट का मतलब है कि 500 वॉट अगर आपने घंटे चला रहे हैं तो मात्र 2 घंटे का बैकअप दे सकती है। नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। पर जैसे ही आपने हैवी लोड चलाए, माना कि आपने अपना एसी चला लिया, या उस पे आपने समरसेबल चला लिया, या फिर आपने अपना इंडक्शन चला लिया, तो अब वो बैटरी 1000 वॉट की नहीं रह जाती है। वो बैटरी ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 वॉट हो जाएगी। इससे रिलेटेड भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें लिथियम बैटरी को मैंने लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करके आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चैलेंज लेड एसिड बैटरी में ये ही नहीं है कि आपको 3 साल 4 साल में वो बैटरी बदलनी पड़ रही है, चैलेंज ये भी है कि हाई लोड पे वो बैटरी अपनी क्षमता खो देती है। तो अब ऐसी बैटरी आपको चाहिए कि अगर आप हैवी लोड भी चला रहे हैं तो बैटरी अपनी क्षमता ना खोए। तो ये जो बैटरी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देखें आप, ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई बैटरी है, और इस बैटरी पे पहली बार आपको इंडिया में 15 साल की वारंटी मिलती है। और अगर इस बैटरी की लाइफ की बात करें तो 30 साल इस बैटरी की लाइफ रहने वाली है। अगर एम्पियर की बात करें तो ये बैटरी है 180 AH की 25.6 वोल्ट की बैटरी, जिसको आप अपने 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। इस बैटरी की खासियत यह है कि पूरी रात आपने, अगर आपके घर में 1 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, या फिर 1.5 टन का सोलर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो पूरी रात इस बैटरी से आप अपने एसी को चला पाएंगे। इसके साथ ही आप अपना पंखा भी चला पाएंगे, कूलर भी चला पाएंगे। शर्त यह है कि रात के टाइम में जब आप अपनी बैटरी से बैकअप ले रहे हो, उस टाइम आपकी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक मिनट में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं लिथियम बैटरी से रिलेटेड। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मेरे को एक वीडियो भेजा, जो कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने बताया कि एक लिथियम बैटरी को आपको कभी कंपनी से नहीं लेना चाहिए, आप 4 सेल लीजिए, 12 वोल्ट की बनानी है बैटरी आपको, तो 4 सेल लीजिए, 4 सेल को आप एक दूसरे से सीरीज में जोड़ दीजिए, एक BMS लगा दीजिए, और वो बैटरी आपकी 15 से 20 साल चलेगी। इसमें जो सेल यूज होता है वो चाइना से आते हैं, और जो बैटरी आपको मार्केट में 25 से 30
20,000 रुपए की मिलेगी, वो बैटरी आपको 15,000 रुपए से कम में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि लिथियम बैटरी बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे लोगों को जिनको यही पता नहीं है कि बैटरी को बनाते वक्त बैटरी के जो सेल हैं उनकी प्रॉपर्टी चेक की जाती हैं, उनको एक एक माइक्रो सेकेंड का उनका टेम्परेचर का डाटा लिया जाता है, उसकी सेम आईआर वैल्यू चाहिए, उसका सेम वोल्टेज चाहिए और उसके साथ ही बहुत सारी इस तरह की प्रिकॉशंस भी चाहिए जिससे किसी भी एक्सीडेंट में बैटरी खराब ना हो जाए। तो ऐसे लोग वो हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि बाइक चलाइए पर बिना हेलमेट के आप बाइक चलाइए, हेलमेट का आपका खर्चा बचेगा और हवा भी बहुत अच्छी अच्छी आपको आएगी, तो हेलमेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, हेलमेट एक खर्चे वाला काम है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूं कि कभी भी जब ये लिथियम बैटरी का आपका बनाने का खुद ख्याल आए, तो खुद से आपको लिथियम बैटरी बनानी है, तो आप उस ख्याल को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दें। जब हम लिथियम बैटरी को बनाते हैं तो लिथियम बैटरी को इतने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इतने सारे उसके टेस्ट होते हैं, तब जाके एक परफेक्ट लिथियम बैटरी बनती है। अगर आप डिफरेंट आईआर वैल्यू के सेल्स से आपने बैटरी बना दी तो आपकी बैटरी ना तो पूरा बैकअप देगी ना तो पूरी लाइफ देगी। आप ये देखें, एक मशीन है, मशीन पे ये सेल टेस्टिंग हो रहे हैं, इनका पूरा डाटा इस लैपटॉप में आ रहा है, इसके बाद में यहाँ से फिर ये सेल शॉर्टिंग मशीन है, इसमें इसकी आईआर वैल्यू टेस्ट होगी, बैटरी के वोल्टेज टेस्ट होंगे, इसके अलावा फिर फाइनल मशीन आप ये सामने देख रहे हैं, ये फाइनल मशीन है, इस मशीन से बैटरी का पूरा डाटा निकलता है, ये डाटा पूरा कंप्यूटराइज होता है, ये डाटा हमें बताएगा कि बैटरी की लाइफ कितनी होती है। आप ये देखें, प्रोग्रामिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये हमें बताएगा कि एक्चुअल में ये बैटरी की अभी तक की कितनी कैपेसिटी है, कितनी सेल की कैपेसिटी है, कितनी इसकी आईआर वैल्यू है, कितनी इसकी वोल्टेज वैल्यू है। मैं इसके साथ ही आपको कुछ और भी चीजें दिखाऊं, तो आप फ्रेंड्स ये देखें, देखिए आप ये देखें, ये बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेल्स लगे हुए हैं और ये जो सारे सेल्स हैं इनकी आईआर वैल्यू अलग है, इनकी कैपेसिटी अलग है, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी अलग है। इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट होकर सेल आ रहे हैं मोस्टली सेल रिफर्बिश्ड हैं, रिफर्बिश्ड सेल को इंडिया में सस्ते करके बेचा जाता है, इसीलिए इंडिया में सस्ती बैटरियां बिकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जानकारी कुछ है नहीं, बस केवल व्यूज के लिए वीडियो बनानी है और पब्लिक को गुमराह करना है, तो ऐसे लोग समाज का कहीं क्या भला करते होंगे वो तो ईश्वर ही जाने, पर वो अपना भला जरूर कर रहे हैं, पब्लिक को अच्छी तरीके से गुमराह करके वो अपना जरूर फायदा कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ये सेल इस मशीन पे टेस्ट हो रहे हैं और इस सेल में जब आप देखेंगे तो आप देखें इसकी एक साइकिल टेस्ट हुआ है, एक साइकिल के अंदर हमें वोल्टेज दिख रहा है, सेल का मैक्सिमम वोल्टेज कहां तक जाता है, मिनिमम वोल्टेज कहां तक जाता है, कितनी कैपेसिटी है इस सेल की, कितनी इसकी आईआर वैल्यू है, कितना टेम्परेचर है और इसके माइक्रो सेकंड का डाटा भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस सेल में, एक लिथियम सेल को नॉर्मल सेल से आप बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। देखिए डिफरेंट कंडीशन में सेल किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ये इसके ग्राफ है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये रिकॉर्ड टाइम में हमको दिखना जा रहा है कि ये कितने एम्पियर ये बैटरी मैक्सिमम ले सकती है। इसके साथ ही इसकी इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, डिफरेंट अगर आप देखेंगे तो माइक्रो सेकंड में हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है और उसके टेम्परेचर को हम मॉनिटर यहाँ पे कर पा रहे हैं। क्योंकि लिथियम बैटरी में टेम्परेचर मॉनिटर करना, आईआर वैल्यू मॉनिटर करना ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए कोई भी लोग अगर केवल कुछ YouTube वीडियो देख के बैटरी बनाना चाहते हैं तो मैं ऐसे लोगों को हाथ जोड़कर मना करूंगा। आपके घर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, लिथियम सेल मजाक नहीं है। अगर लिथियम बैटरी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी तो डेफिनेटली फायदा होने की बजाय वो आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। तो जब भी अगर आपको अपनी बैटरी बनानी भी है, अगर आपसे खुद से बैटरी बनानी है, तो आप ऐसे मैन्युफैक्चरर से बैटरी लें जिसका पूरा डेटा आपको मिलता हो, जिस डाटा को आप जाके खुद से भी वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है डेटा लेकर आते हैं सेल का, और जब हम अपनी मशीन्स पर सेल को टेस्ट करते हैं तो वो डेटा बिल्कुल डिफरेंट होता है उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज से, लिथियम सेल की प्रॉपर्टीज होती है। ऐसा ही चाहते हैं कि खुद ही बैटरी बनाएं, आप अपना फंड सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर एक इस तरह का सेल लें कि जिसकी सेम आईआर वैल्यू हो, सेम उसका वोल्टेज हो, मिनिमम कैपेसिटी सेम हो, मैक्सिमम कैपेसिटी सेम हो, उसकी जो टेम्परेचर में हाई चार्ज और हाई डिस्चार्ज पे टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस ना आता हो सारे सेल्स में। तो ऐसे सेल से अगर आप बैटरी बनाएंगे तो डेफिनेटली वो बैटरी आपकी ज्यादा चलेगी और उसमें भी आपको सारी प्रिकॉशंस रखनी है। किस तरह बैटरी लिथियम बैटरी बनाते हैं, फैक्ट्री में किस तरह लिथियम बैटरी बनती है, उसके लिए मैंने अपने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ कुछ और चीजें भी हैं जो आपको बतानी है, वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। ये देखें, इस तरह का पूरी तरीके से इस बैटरी को हम लोग पूरा कवर्ड कर देते हैं कि जिससे इस बैटरी के कभी भी
जो इसके टर्मिनल हैं उनको लूज होने का कोई खतरा नहीं है। और इसके अलावा इस पूरी बैटरी को आप देखेंगे तो FRP शीट और FRP स्लैब्स से हम लोग कवर कर देते हैं, मतलब ये फायर प्रूफ स्लैब्स हैं जिनमें आग में भी आप डालेंगे तो इसको जलने की संभावनाएं ना के बराबर होती है। तो इस तरह एक बैटरी बनती है, मैंने आपको बैटरी खुली हुई दिखाई कि इस तरह एक बैटरी बनाई जाती है और इस बैटरी को पूरी तरीके से कवर अप किया जाता है। चार सेल जोड़ के बैटरी बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजा था तो मैंने इसलिए मुझे लगा कि मुझे जानकारी लोगों को देनी चाहिए कि वो गुमराह ना हो। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये बैटरी कितने मॉडल्स में आपको मिल जाएगी और किस किस इन्वर्टर पे आप इसको लगा सकते हैं और कैसे आप इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही बैटरी आपको 180Ah की बैटरी 12 वोल्ट में भी मिल जाएगी, आपको 24 वोल्ट में भी मिल जाएगी और ये 48 वोल्ट में भी मिल जाएगी। मैं आपको 48 वोल्ट में भी दिखा देता हूं, जिन लोगों के घर पे चार बैटरी वाला सिस्टम लगा है तो उनके लिए हम इस तरह की बैटरी बनाते हैं। ये आप देखें यहां पे 180Ah की बैटरी हम लोग बना रहे हैं, अभी ये बैटरी बनी नहीं है, अब इस बैटरी को बनाया जा रहा है। 48 वोल्ट में भी आप इस बैटरी को ले सकते हैं, 24 वोल्ट में भी आप इस बैटरी को ले सकते हैं और 12 वोल्ट में भी आप इस बैटरी को ले सकते हैं। तो जिन लोगों के घर में दो एयर कंडीशनर चलते हैं उनको दो एयर कंडीशनर रात भर चलाने हैं तो वो भी इस बैटरी को ले सकते हैं। लगभग एक टन के अगर दो एयर कंडीशनर है तो दो एयर कंडीशनर को ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये बैटरी पूरी रात चला सकती है। उसी तरह अगर हम 24 वोल्ट की बात करें तो 24 वोल्ट में आप ये वाली बैटरी से पूरी रात अपना एयर कंडीशनर चला पाएंगे। चूंकि ये बैटरी दो बैटरी के इन्वर्टर पे लगती है तो दो बैटरी में अधिकतम आपको 3 किलोवाट का इन्वर्टर मिलेगा। तो 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है वो 1.5 टन के AC को भी चला सकता है जो रेगुलर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के हैं, 1.5 से 2 टन के सोलर एयर कंडीशनर को भी चला सकता है। तो एक परफेक्ट बैटरी आप लोगों के लिए हो जाती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को अपना इन्वर्टर चेंज ही नहीं करना है, वो लोग चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग उनके जो इन्वर्टर हैं उस इन्वर्टर पे बैटरी लग जाए, तो फ्रेंड्स उसका तरीका क्या है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ये एक इन्वर्टर है, इस तरह के ट्रांसफॉर्म लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर भी आपको देखने को बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी में एडवांटेज क्या है, अगर आपको लिथियम बैटरी पे लगाना है तो आप इसमें चार्जिंग वोल्ट और डिस्चार्जिंग वोल्ट सेट कर सकते हैं। जो ये एरो कीज आप देख रहे हैं बटन, इनकी मदद से आप अपने चार्ज वोल्ट और डिस्चार्ज वोल्ट सेट कर सकते हैं। तो चार्ज वोल्ट और डिस्चार्ज वोल्ट आपको कैसे सेट करना है, जैसे आप इस बैटरी में देखें कि बैटरी में ये लिखा हुआ है कि बैटरी का चार्जिंग वोल्ट है 29.2 वोल्ट तक ये बैटरी चार्ज होनी चाहिए, सुपर बैटरी चार्ज नहीं होनी चाहिए। तो आपका इन्वर्टर 29.2 वोल्ट से ऊपर जैसे ही बैटरी चार्ज हो कट कर दे और 21.2 वोल्ट से नीचे बैटरी को डिस्चार्ज ना करे। तो अब इस बैटरी को आप किसी भी 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए दो ऑप्शन मैंने आपको बताया, जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है उसमें तो आपको ये फीचर मिल ही जाता है। मैंने कई कंपनियों के जो पुराने इन्वर्टर्स हैं उनमें ये सेटिंग करवाई, हार्डवेयर में सेटिंग कराई, तो एक प्रीसेट होता है जो वैसे इन्वर्टर होते हैं जिनके अंदर इस तरह का डिस्प्ले नहीं है तो उसमें प्रीसेट आपको मिलता है। तो प्रीसेट से आप अपने वोल्टेज को सेट करा सकते हैं। हम अपने लोकल जो मैकेनिक होते हैं जैसे जो इन्वर्टर रिपेयर करते हैं वो आपके किसी भी इन्वर्टर में ये सेटिंग कर देंगे। तो बस ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट आपको ये सेटिंग नहीं मिलती है अपने इन्वर्टर में तो आप लोकल मैकेनिक के पास चले जाइए, वो मैकेनिक इस तरह की आपके इन्वर्टर में सेटिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आखिर इस बैटरी की कीमत कितनी है और बाकी सारी बैटरीज की कीमत कितनी है। बहुत सारे जो वीडियोज हैं उन पे अक्सर लोगों के कमेंट रहते हैं कि नेक्सस से महंगा किसी कंपनी का इन्वर्टर नहीं है, नेक्सस से महंगी किसी कंपनी की बैटरी नहीं है, नेक्सस सबसे महंगी कंपनी है। तो मैं ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई साहब आप फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं। मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको ये बोला है कि हमारी जो बैटरी है वो इंडिया में सबसे सस्ती है, हमसे सस्ती बैटरी कोई नहीं बनाता है। अब आप बोलेंगे कि फला कंपनी जो है वो आपसे सस्ता बनाती है, तो फ्रेंड्स आप सेम टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करेंगे तो ही आप ये समझ पाएंगे ये जो बैटरी है ये 1C बैटरी है। 15 साल हम लोग इस पर वारंटी करते हैं, आप 15 साल की वारंटी में किसी कंपनी की इस रेट में बैटरी दिखवाइए आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह इन्वर्टर की हम लोग बात करें या हम अपने और प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ए ग्रेड के ही सेल यूज करते हैं। इस बैटरी की लाइफ मैं आपको बोलूं 30 साल की लाइफ आपको कम से कम इस बैटरी की मिल जानी है। तो जब आप प्रीमियम कंपोनेंट यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगी, पर अगर सेम दूसरी कंपनियों के आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे 3 साल की वारंटी आपको मिल रही है या फिर 2 ईयर्स की वारंटी मिल रही है या कोई 5 साल की आपको वारंटी कर रहा है, उसके बाद में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। हमारी इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी है, आप समझिए जब ए ग्रेड का सेल लगा है तभी स्क्रैप वैल्यू है, वरना इसकी स्क्रैप वैल्यू और लोगों की तरह नहीं होती क्योंकि उन लोगों को पता है कि वो बैटरी उनकी स्क्रैप हो जानी है 5 साल बाद में, इसलिए स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू भी आपको 25% के आसपास मिल जानी है। 15 साल के अंदर 50% पे आप नई बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। इतनी बड़ी वारंटी में आपको किसी और दूसरी कंपनी की बैटरी नहीं मिलती है। रीजन ये है कि वो बैटरी अगर कोई किसी ने बैटरी सस्ती की है तो सेल जो है उसमें रिफर्बिश्ड सेल को यूज किया गया है, ए ग्रेड सेल को यूज नहीं किया गया। अब इसके साथ बहुत सारे लोग लिखते हैं कि साहब आपकी जो सर्विस है वो
आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस बेकार है, और बहुत सारे फेक आईडी से कमेंट, वो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसके आप 5 मिनट 10 मिनट बाद देखिए कि फेक आई, कम से कम इतनी ढेर सारी फेक आईडी से वहां पे नेगेटिव कमेंट आपको आने शुरू हो जाएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता कि क्या लोग सिर्फ मेरी वीडियो का वेट ही करते रहते हैं कि उनको नेगेटिव कमेंट डालने हैं और वो वीडियो नहीं देखेंगे। वीडियो में क्या क्या है वो कुछ नहीं देखना है, सिर्फ नेगेटिव कमेंट डालना है, कंपनी की सर्विस खराब है और कंपनी के रेट जो है वो महंगे हैं। सोलर एनर्जी के रेट रीजनेबल हैं। अब सेम टेक्नोलॉजी को आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि हमारे रेट सबसे सस्ते हैं। और मेरे को यह समझ नहीं आता कि जो लोग आते ही इस तरह के नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं, जब उनको कंपनी ही पसंद नहीं, उनको हम लोग पसंद नहीं, तो आखिर वो वीडियो पे कमेंट करने क्यों आ जाते हैं? जिस व्यक्ति को नेक्सस में इंटरेस्ट ही नहीं, वो अपना समय आखिर क्यों बिगाड़ता है वीडियो पे आके कमेंट करने के लिए? तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। बहुत सारे लोगों की नेक्सस को लेकर सुलगी पड़ी है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी किसी भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर नेगेटिव वीडियो नहीं बनाए हैं, पर बहुत सारे लोगों का शगल है कि वो सिर्फ इस तरह के ही काम करते हैं। उन्हें दुनिया जहान में हर चीज नेगेटिव दिखती है, कंपनी नेगेटिव दिखती है, डिपार्टमेंट नेगेटिव दिखते हैं, हर कंपनी छोर नजर आती है। ऐसे लोगों से आप जरूर सावधान रहें। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, ये बैटरी कितने रुपए में पड़ने वाली है? तो फ्रेंड्स, बैटरी की जो कीमत है वो है 20 रुपीज पर वॉट। 20 रुपीज पर वॉट का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एक बैटरी आप मुझसे ले रहे हैं 48 वोल्ट की 100 एएच की, तो वो बैटरी हो जाती है आपकी 4800 वॉट की। 20 रुपए वॉट आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी 96,000 की बैटरी हो जाती है 100 एएच की, अगर मैं बात करूं आपसे 48 वोल्ट की। अब इस बैटरी पे अगर आप खाली बैटरी बाई करते हैं तो 18% जीएसटी लगेगा, सोलर सिस्टम के साथ बाई करते हैं तो 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो आप जीएसटी को और पे कर लीजिए। तो ये जो भी कंपनी के 12 वोल्ट से लेके और 48 वोल्ट तक के मॉडल्स हैं जो सोलर के लिए हम लोग बनाते हैं, उनकी प्राइसिंग 20 रुपए वाट है। तो ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन बता दी कि इतने रुपए वाट में आपको नेक्सस की कोई भी बैटरी आपको मिल जाएगी, उसके लिए स्पेशल आपको किसी फार्मूले की या कंपनी की प्राइस लिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अब 20 रुपए वाट में लोग यहाँ पे फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि साहब अभी भी बैटरी आपकी बहुत महंगी है, तो मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा कि साहब फिर आप कुछ और इंतजार कीजिए। अगर आने वाले टाइम में सेल्स की कीमतें और ज्यादा सस्ती होती हैं तो डेफिनेटली उन सस्ती कीमतों का फायदा हम लोग सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। मुझे फ्रेंड्स पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।